आज हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। दोनों का यूज़ हम लोग जावा प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर वापस इफ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल इफ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट में हम लोग एल्स पार्ट को कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ओनली इफ पार्ट यूज़ करते हैं, इफ कंडीशन ही यूज़ करते हैं। और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर हम लोग इफ एंड एल्स दोनों को यूज़ करेंगे, इफ कंडीशन एंड एल्स कंडीशन दोनों यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए दोनों का एक प्रोग्राम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि ब्लड डोनेशन की एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन सा नहीं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक अपना मेन क्लास और मेन मेथड क्रिएट कर दिया है, तो मेन मेथड के अंदर ही हम लोग सब कुछ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंट एज लेता हूँ, 20 एज को देते हैं हम लोग, इंट वेट लेते हैं, यहाँ पे 80 देते हैं इसको, ये हमारा हो गया। तो इसके अंदर हम लोग इफ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले इफ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड उसके अंदर वापस हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन के अंदर। ये देखिए इफ कंडीशन हम लोग ने प्रोवाइड किया, अगर वो ट्रू रहेगा वापस इफ कंडीशन चेक होगा, और इसके अंदर फॉल्स रहेगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो हमारा नेस्टेड इफ इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसके अंदर एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे वेट चेक होगा, अगर वो एलिजिबल है मतलब 18 प्लस है, फिर उसके बाद उसका जो हमारा वेट है वो भी चेक होगा, वेट होना चाहिए 50 के ऊपर। तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, देते हैं यू आर एलिजिबल फॉर डोनेट ब्लड। हमारा हो गया, फिर इसको हम लोग सेव करते हैं। तो जो हम सेव करते हैं मेन क्लास के नाम से सेव करते हैं, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ लिखेंगे, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। नेस्टेड इफ डॉट जावा सेव हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पाथ देना रहता है, जहाँ पे हमारा सोर्स फाइल सेव है वहाँ का पाथ। पहले हम लोग को सोर्स फाइल जो रहता है हमारा उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना रहता है कंपाइलर की हेल्प से। तो यहाँ पे जावा सी कंपाइलर यूज़ किए, सोर्स फाइल नेम क्या है हमारा, नेस्टेड इफ डॉट जावा। गया, फिर यहाँ पे जावा नेस्टेड इफ क्लास नेम, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी शो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 8 हम लोग ने 180 दिया, इसकी वजह से नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पे 80 करते हैं, सेव करते हैं। देखिए आ गया, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड,
ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर हम लोग इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इफ़ एज हमारा है तो इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पे चेक होता है। तो यहाँ पे अगर इफ़ हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, मतलब वो 15 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक और प्रिंट कर सकते हैं योर एज अंडर 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर ही मैं इफ़ एंड एल्स दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। हम लिख दिए तो ये हमारा एल्स पार्ट हो गया। तो अगर जो हमारा मेन, देखिए ये मेन हमारा इफ है, अगर हमारा मेन इफ हमारा फॉल्स रहेगा तो इसके अंदर भी हम लोग एल्स पार्ट डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। योर एज अंडर 18, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने मेन इफ कंडीशन में एज को डिफाइन किया था, तो यहाँ पे लिख देंगे योर एज अंडर 18। ये हमारा हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले ये देखिए हम लोग ने जो प्रोवाइड किया था एंड एज, यहाँ पे हम लोग 17 करते हैं और देखते रन करके। एरर आ रहे हैं देखिए एल्स पार्ट में। तो ये सब हम लोग अगर उसमें करते हैं क्लिप्स में या फिर नेटबिन में तो ये सब एरर हमें वही टाइम शो हो जाते हैं, तो इसीलिए सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखिए इफ पार्ट को हम लोग ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, इसीलिए वो एरर आ रहा था। पे भी ये हमारा जो इफ है इसको यहाँ पे भी क्लोज करेंगे, यहाँ पे भी ये देखिए इस टाइप से। देखिए हो गया, फिर इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। हो गया कंपाइल, यहाँ पे फिर हम लोग इसको रन करेंगे। ये देखिए योर एज अंडर 18, यहाँ पे हम लोग ने 17 दिया तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये तो 18 करते हैं और यहाँ पे जो वेट है इसको हम लोग 45 करते हैं। तो अंडर वेट हमारा क्या है 50 के अंदर है, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या रन होता है। ये देखिए योर वेट इज अंडर 15, ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए ये वाला रन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में ओनली इफ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर, और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग जो हमारा इफ कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो उसके अंदर इफ एंड एल्स दोनों पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारा एफ जो है इफ कंडीशन जो ओरिजिनल है वो अगर फॉल्स रहेगा तो वो डायरेक्ट एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।